हम सब अपनी लाइफ में कई बार मुश्किलों का सामना करते हैं और कई बार उन्हीं रीजन से फेल होते हैं। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फेलियर्स इन लाइफ, बट द जनरल स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस। हम गिरते हैं ताकि दोबारा उठना सीख सकें, दोबारा चलना सीख सकें। जिस तरह एक्सरसाइज करने के बाद हमारी मसल्स का टूटना ज़रूरी है ताकि वो और मजबूत बन सकें, उसी तरह हमारे फेलियर्स हमें अंदर से और शक्तिशाली बनाते हैं, जिससे हम और हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और स्ट्रांग होती है। लाइफ में कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो हमारी सारी तैयारियों और प्लानिंग्स को बर्बाद कर देते हैं, और कई लोग उस एक इंसिडेंट को लाइफ का सेंट्रल पॉइंट बना लेते हैं। जिंदगी में होने वाले इन बुरे इंसिडेंट्स की वजह से जब इंसान खुद को मेंटली वहीं रोक लेता है, आगे बढ़ना ही छोड़ देता है, तब उसके दिल में बसता है डर और चिंता। क्या ऐसा नहीं होता? लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। जिस तरह साइकिल चलाना सीखते समय हम कई बार गिरते हैं ताकि हम खुद को सड़क पर बैलेंस करना सीख सकें, उसी तरह लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और स्ट्रगल्स हमें आगे की चुनौतियों में संतुलित रहने के काबिल बनाती हैं। आज भले ही हमें खुद के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और बुरी चीज़ों का मतलब समझ ना आए, बट जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ के उन सभी चीज़ों को याद करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम उनकी इंपॉर्टेंस और अपनी लाइफ में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझ पाएंगे। Because a great guy once said, the dots only connect when you look back and not forward. Failures are inevitable. It is us who decide that what are we going to do with it. Are we going to rebound or we are just going to sit and cry about it? So friends, keep failing, keep falling, but remember, you have to get back up. You have to bounce back. Thank yourself now.